Assalamualaikum, hello everyone and welcome to my YouTube channel. इस वक्त पाकिस्तान में दो मौलाना जिनके नाम मुश्तरक हैं यानी तारिक, लेकिन सरनेम डिफरेंट है. एक है मौलाना तारिक जमील, एक है मौलाना तारिक मसूद साहब. दोनों वायरल वीडियो की वजह से ट्रॉलिंग का शिकार हो रहे हैं. ट्रॉलिंग क्यों हो रही है? ट्रॉलिंग हो रही है मौलाना तारिक जमील साहब के हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से और मौलाना तारिक मसूद साहब के एक बयान में कुछ लाइंस इन्होंने ऐसे कर दी कि माज़अल्लाह गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी हो गई. अच्छा, जब ये दोनों मौलाना साहब की ये न्यूज़ आई है और अभी भी वो ट्रॉलिंग चल भी रही है, सोशल मीडिया में डिबेट हो रही है. अब तो मौलाना तारिक मसूद साहब ने क्लेरिफिकेशन भी कर दी है, माफ़ी भी मांग ली है और यहाँ तक कह दिया है कि अगर उन्हें कोई नुकसान पहुँचा तो जो ग्रुप उनके खिलाफ एंटी कंपेन चला रही है ये सारी जिम्मेदारी उन पर होगी. मैं आपके साथ मौलाना तारिक जमील या मौलाना तारिक मसूद मेरे आज के इस वीडियो का टॉपिक नहीं है. गो के रिलेट करे कर रहा है रीज़न के सूरह कहफ, जब से ये ईरा शुरू हुआ है यानी पिछले साल गाज़ा फ़लस्तीन और उसके बाद अब जो मुस्लिम मिडिल ईस्ट के और अब जो हालात बनते जा रहे हैं, तो कहा यही कहा गया है कि दज्जाली फितना अब पूरे उरूज पर है और उसके लिए आपने सूरह कहफ की पहली 10 आयात और आखिरी 10 आयात आपने उसका रोज़ाना वर्द करें, बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चों से भी कहें और हर जुमे के बाद सूरह कहफ पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मा को फरमा कर गए हैं, बता कर गए हैं कि आखिरी वक्त में जब दज्जाली ईरा बहुत मतलब आप उससे नहीं बच सकते, वो फितना इतना बड़ा है कि आप कैसे अपने आप को बचाएंगे. और फिर 72 फ़िरकों का जिक्र किया और सिर्फ एक फ़िरका ऐसा होगा जो उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोवर्स होंगे. सबसे पहले मुझे आप यकीन करें, वो बहुत मैंने कोशिश की क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर चल रही है, तो पिछले हफ्ते या उससे पहले सूरह हूद के बाद आई थिंक किसी सूरह में वो तफसीर में सुन रही थी, तो वहाँ पर एक पॉइंट पर डॉक्टर इसरार अहमद की ही मैं तफसीर चल रही है मेरी, एक पॉइंट पर उन्होंने वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो क्लिप मुझे मिल जाए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वहाँ पर उन्होंने कहा था कि आखिरी वक्त में उल्मा का भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है. फिर उन्होंने है ना दो ग्रुप्स की बात की, उन्होंने कहा कि एक तो वो हैं जैसे हम और मैं और आप जैसे हम आम मुसलमान, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबे होते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मुख्तलिफ जो हमारे प्रोफेशनल फील्ड्स होती हैं और जब हम हमारी स्टडीज़ चल रही होती है तो हम एक फील्ड को चूज़ करते हैं और फिर उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए हम उसको स्टडी करते हैं. इसी तरह और एक वो तबका है जिन्होंने दीन हक की दावत देने के लिए एक मिशन और अपने आप को चूज़ किया है कि उसने आलिम बनना है या मुफ्ती बनना है, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये चूज़ कर लिया किसी ने भी कि उसने आलिम बनना है और उसने मुफ्ती बनना है या स्कॉलर बनना है इस्लामिक टीचिंग्स के हवाले से, तो उसका फिर तालिबे दुनिया के कोई मायने नहीं रहेंगे. डॉक्टर साहब ने यहाँ तक कह दिया था कि उस आलिम के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. वो आयत का तर्जुमा और उसकी तफसीर को लेकर वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि उसकी कोई दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए. मतलब ये जो दुनियावी जो आसाइशें हैं या ये जो दुनियावी हमारी जो प्रायोरिटीज़ होती है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए. तो मैंने जब वो सुना तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको सही आलिम को तलाश करना हो तो पहले आप ये देख लें कि उसके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है कि नहीं है. तो मैंने फिर जितने भी हमारे मशहूर उलमा हैं मैंने कोशिश की लेकिन मैं उसमें इतना कोई ख़ास कामयाब नहीं हुई. तो आलिम के लिए लाजिम शर्त है कि अगर एक इंसान ने अपने आप को इसके लिए चूज़ कर लिया तो दुनियावी प्रायोरिटीज़ जिसमें प्रॉपर्टीज़ भी है वो उसके नाम नहीं हो, क्योंकि उसका तो मिशन ही जहाद है, क्योंकि दीन हक की दावत और उस पर चलना भी एक जहाद से कम नहीं है. और अगर कोई इंसान जहाद के लिए निकलता है तो फिर उसे ये परवाह नहीं होती कि पीछे मेरे माल का क्या होगा,
मेरी फैमिली का क्या होगा, उसका तो एक ही मिशन है और वो है राहे हक। इसी तरह जब सबसे पहले मैं मौलाना तारिक जमील साहब का काबिले मोहतरम है, बहुत फॉलो किया है मैंने, बहुत फॉलो करती थी, लेकिन जिस दिन उनका वो पिछले चंद सालों में आई थिंक 10 साल अगर आप कर लें कि वो बहुत ट्रॉलिंग हुई, और जब इनका ये हेयर ट्रांसप्लांट का वीडियो वायरल हुई और बहुत सारे वीडियोज़ आना शुरू हो गई, तो मैंने इकरारुल हसन साहब का वीडियो देखा और मुझे ऐसा लगा कि इन्हें, क्योंकि उनके जाहिर से बात है कॉन्टैक्ट भी होंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ से सही जो उसकी वजह होगी हेयर ट्रांसप्लांट की, तो शायद इस वीडियो में मुझे हो, शायद हम सबको पता चले। लेकिन उन्होंने उस वीडियो में भी पहले तो ट्रॉलिंग का कहा कि मौलाना साहब हमेशा से ट्रॉलिंग का शिकार रहे हैं, कि वो जब बाहर जाते हैं या जब उनकी जो मूवमेंट होती है वो इतनी हाई फाई होती है कि लोग उसको ट्रॉल करते हैं कि अपने फॉलोवर्स को, तो वो सादगी और सिंपलिसिटी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना रहा है उस पर चलने की दावत देते हैं और ख़ुद ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो उन्हें इनवाइट करते हैं या जो उनके होस्ट होते हैं, मेज़बान होते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करता है ना कि वो उन्हें हेलीकॉप्टर में रिसीव करे या किसी में रिसीव करे, उससे तो मौलाना का कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, पिक्स आ जाती हैं। फिर मुझे जो सबसे बड़ा डाउट हुआ था, अब जब मैं कुरान की अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तफसीर भी चल रही है और सारा डेप्थ में जाके कोशिश ये हो रही है और दुआ भी मैं करती हूँ कि अल्लाह ताला ये जो मैंने कुरान से दोस्ती की है, इस दोस्ती को, मतलब इसको है ना पूरा मेरे अंदर उतार दे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शेड होती गईं। तो जब मौलाना साहब का अपना नाम ब्रांड बन गया MTG, उसका भी हुआ ट्रॉलिंग है वहाँ पर, तो भाई ये मेंस वेयर है, इतना हाई एक्सपेंसिव, अच्छा उसके जो कंपनी है वो कोई और है, मतलब उससे हमें भी आजकल तो होते हैं ना ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, तो मौलाना तारिक जमील साहब को MTG जैसे उनके ब्रांड एम्बेसडर लिया है। मौलाना साहब इसके लिए एग्री कैसे हो गए, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है कि कमर्शियलिज्म, ब्रांड एम्बेसडर का तो मतलब ये है कि आप कमर्शियल हो गए, आप दुनिया की प्रायोरिटीज़ में, मतलब आप तो उसमें चले गए, गो के इसकी हकीकत चले मानते हैं कि मे बी उसका कोई सम आता होगा, क्योंकि इसकी एक फ़ी होती है, वो मौलाना साहब अपनी जो भी उनके जो दीन हक के लिए जो उनके मतलब मामलात होते होंगे वो उसमें सर्फ होते होंगे मे बी। लेकिन मौलाना तारिक जमील साहब तो ख़ुद राह हक दावत इस्लाम के खुद बजाते खुद एक ब्रांड एम्बेसडर है, और उनके जो फॉलोवर्स हैं, उनके जो सुनने वाले हैं, उनका काम है कि उनके पैगाम को दूसरे बंदों को दें। लेकिन हम मॉल्स में और शॉपिंग एरिया में जब हम MTJ देख रहे हैं, तो क्या ये कमर्शियलिज्म नहीं है? क्या कुरान में जो अल्लाह ने अपनी एक आयत और उसकी तफसीर को जो कोट किया है कि उसका फिर दुनियावी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होगा, क्या ये उससे डिफर नहीं कर रहा? ये मेरा पॉइंट है, मेरा पॉइंट है, और मतलब ये ख्याल मेरा सिर्फ और सिर्फ ये इस आयत की तफसीर से मेरे दिमाग में आया कि यस, क्या आज के हमारे जो उल्मा हैं, क्योंकि कहा गया है और हदीस भी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये जो आखिरी वक्त होगा, ये जो दज्जाली वक्त होगा, ये इतना मतलब एक दलदल होगी जिसमें सब धंसते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक वो ग्रुप जैसे कि हम हैं, हमारा भी हिसाब किताब होगा। लेकिन अगर किसी शख्स ने अपने आप को आलिम, मुफ्ती, मौलाना, ये अगर उनके नाम के साथ लग गया है और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और उनके पैगामात और उनकी तालीम दे रहे हैं, तो अगर उनसे कहीं ये दुनियावी पॉइंट ऑफ व्यू से, दुनिया की ये जो प्रायरिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कुछ अमल हो जाएगा, तो आप यकीन करें उनके लिए पुल सिरात ये दुनिया ही है। ये जब तक ये हयात है, जब तक ये इनकी ज़िंदगी है, इन हमारा पुल सिरात तो बाद अज़ मौत, हिसाब किताब, फिर नीचे दोज़ख होगी, सब लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे और जो गिर गया वो गया। लेकिन उल्मा के लिए, स्कॉलर्स के लिए इतना कड़ा इम्तिहान है ना ये दुनिया में भी, और जिस दिन उन्होंने इस मिशन में एक कदम रखा है, उसके बाद से लेकर मौत तक ये दुनिया उनके लिए पुल सरात है। कमर्शियलिज्म करने में, सॉरी टू से, पाकिस्तान नंबर वन,
और उसमें पाकिस्तानी मीडिया नंबर वन, और उसमें वो प्रोग्राम जो ट्रांसमिशन के नाम जिसको दिए जाते हैं, चाहे वो रमज़ान ट्रांसमिशन हो चाहे मुख्तलिफ प्रोग्राम हो, उसमें आप देखें कि कितने उलमा साहब बैठे हुए होते हैं। और इतना अगर आप पिछले पता नहीं कितने सालों से ये सब कुछ चला आ रहा है, इतना इस्लाम की तालीम, क्योंकि टीवी तो हर घर में है, अब तो मोबाइल हर घर में है, हर प्रोग्राम हर घर में, तो भाई हमारे यहाँ तो करप्शन निल होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो करप्शन ज़ीरो होनी चाहिए, हमारे यहाँ तो कोई बाप अपनी बेटी को कत्ल ना करे, हमारे यहाँ कोई सौतेला बाप अपनी औलादों का जना ना करें, सारी बुराइयाँ तो हमारे यहाँ आए। कहते हैं वो मीम्स भी आपने देखा होगा कि हम हज कर कर आते हैं तो बड़े फ़ख्र ही अपने नाम के आगे हाजी लगाते हैं, हराम खाते हैं, हराम ही क्यों नहीं लगाते हो भाई, ये भी है ना। तो ये मतलब ये जो दौर है सूरह कहफ, सूरह कहफ में अब मैं तारिक मसूद साहब की तरफ आऊँगी, वो जो कहते हैं कि उन एक्सेप्ट भी किया, माफ़ी भी मांगी, कि जब हज़रत खिज़र मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जब वाक़या कोर्ट होता है, तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ये मतलब तफसीर के तौर पर बहुत अच्छा उनका अंदाज़ है कि आगे पीछे वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो मुलाकात है बेसिकली हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि वो पैगंबर थे, वो रसूल थे, उनकी तरबियत को लेकर अल्लाह की तरफ से उन्हें हुक्म आया था कि फ़लाँ जगह पर जाओ, वहाँ पे तुम्हें मेरा एक बंदा मिलेगा, उसके साथ तुम्हें कुछ वक्त, कुछ दिन या कुछ वक्त गुजारना है, क्योंकि उसका मकसद ये था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के थ्रू अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत करवाना चाहते थे, क्योंकि नबूवत का दावा करना, फिर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के मैसेंजर, अल्लाह के मैसेजेस कन्वे करने के लिए तरबियत ज़रूरी होती है, तालीम भी ज़रूरी होता है, समझाना भी ज़रूरी होता है, इल्म भी मुंतकिल करना होता है, और उसके बाद वो पूरा वाक़या कोर्ट होता है। लेकिन उस लाइन के साथ डॉक्टर साहब ने कहा कि अहदीस की रोशनी में ये प्रूफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ग़ार हिरा में वही नाजिल होने से पहले तकरीबन 3 साल तक एक फरिश्ता अल्लाह ने मुख्तस किया था, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीमात दे रहे थे। वो फरिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल तक उनको तालीमात दी, मे बी अल्लाह के हुक्म से इल्म मुंतकिल किया, उसके बाद ग़ार हिरा का वाक़या आया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं। सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें, आखिर की 10 आयतें। अब कहा जा रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस के थ्रू अपनी उम्मत को कह कर गए हैं कि आखिरी वक्त में ये 10 आयतें, चाहे वो शुरू की हों या आखिरी की हों, आपने वर्द करना है। सूरह कहफ का वर्द ज़्यादा करना है, लेकिन सिर्फ वर्द नहीं करना, आप सूरह कहफ को समझ लें, क्योंकि वो हमें अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि इस आखिरी वक्त में क्या होने वाला है। तो आखिरी जो 10 आयात है उसकी तफसीर जब मैंने सुनी, तो उसमें डॉक्टर साहब इस तरह समझाते हैं कि एक तलबे दुनिया है, एक तलबे आखरत है। आजकल हम लोग तलबे दुनिया में, पूरी उल्मा जो है वो पूरा जो उम्मा है वो तलबे दुनिया में मगन है। इसी वजह से तो आज किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि दज्जाली कुव्वतें ये यहूद और नसारा के सामने खड़े होकर इस्लाम की और मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों के लिए उनकी हिमायत में खड़े हो, सिर्फ इसलिए कि हम लोग तलबे दुनिया में पड़े हुए हैं। रीज़न कि अगर हमने उन्हें आंखें दिखाईं तो ये जो हमारी जो आज़ादी, हमारी जो आसाइशें हैं, ये सब ख़त्म होने वाली है, बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए हम बस लफाजी, या हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम वॉकआउट कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं कर रही स्टेट्स भी। तलबे दुनिया ये है, लेकिन हमें हुक्म है एक उम्मत मोहम्मदी को और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती को हुक्म है कि हमारे ये तलबे आखरत प्राइम सुप्रीम प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसके बाद आप दुनिया में, तलबे दुनिया भी आपकी चलती रहेगी, लेकिन हमें बाद अज मौत आखरत में हमें क्या चाहिए वो हमारी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये तो मतलब टाइम बीइंग है ना हमारी यहाँ की दुनिया। उसमें उससे मुझे समझ आया कि आज का मीडिया ने हमारे उल्मा को एक सेलिब्रिटी बनाने में कोई कम कसर नहीं छोड़ी। इतनी ट्रांसमिशन्स हो रही हैं, इतना इस्लाम सिखाया जा रहा है, और ये तमाम सेलिब्रिटी, वो जो उल्मा है, जो मुफ्ती कलाम है, अब उनको हम कैसे जज करें? 72 फ़िरके में से एक ही फ़िरका होगा जो सही इस्लाम की और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
जो वो हमें समझा कर गए हैं, जो उन्हें हमें समझाना है, जो उन्हें हमें समझाना है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात क्या है, अल्लाह के अहकामात क्या है और हमें क्या फॉलो करना है। वही अगर सेलिब्रिटी बन जाएंगे, वही अगर कमर्शियलिज्म के नाम पर अपने प्रोटोकॉल के साथ अपने आप को कैरी करके दुनिया में मूव करेंगे, तो फिर हम भी तो फिर उन्हें ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दीन पढ़ा, उन्होंने अहदीस पढ़ी और उसके बाद वो हमें समझा रहे हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन एक तरफ आपका समझाना और दूसरी तरफ आपकी ये प्रैक्टिसेस जो हम देख रहे हैं, ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ। और एंड में ये कहूँगी कि मैंने डॉक्टर इकरारुल हसन साहब का, जब मौलाना तारिक जमील साहब की बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे उनकी ट्रोलिंग को लेकर, तो मैंने इकरारुल हसन का वीडियो देखा और मुझे कहीं लगा कि शायद इसमें वो कोई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई बात होगी, क्योंकि उनके डायरेक्ट उनके कॉन्टैक्ट होंगे। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन की, पहले तो ट्रोलिंग की बात की, जब हेयर ट्रांसप्लांट की बात हुई तो उन्होंने मुख्तलिफ जो देवबंदी के जो अकेडमीज़ हैं उनके फतवे की बात की और कहा कि इजाज़त है कि आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, शर्त है कि वो आपके अपने बाल हो, वो किसी और के बाल ना हो और ना किसी जानवर के बाल हो, ठीक है। लेकिन आगे जाके उन्होंने ये भी एक्सप्लेनेशन दी कि हम मौलाना तारिक जमील भी, उनकी एक फैमिली है, मतलब जो मैं समझी थी, और उनकी जौजा है और ये बीवी की ख्वाहिश होती है कि उनके हस्बैंड अच्छे दिखें, और अगर उन्होंने करवा लिया तो उन्होंने उनका एक हलाल रिश्ता है। और आई डोंट नो, वो पूरा वीडियो आप देखिएगा, लेकिन वो बात मुझे डाइजेस्ट नहीं हुई। वो बात मुझे इसलिए डाइजेस्ट नहीं हुई कि जिस डॉक्टर ने मौलाना साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, तो आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो हमारे यहाँ क्लिनिक्स हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, जहाँ पर हमारे एक्टर्स ने, सिंगर्स ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है, तो वो फिर अपने काम के प्रमोशन के लिए उन्होंने उनकी पिक्स लगाई हुई है। तो कहीं अगर ये डॉक्टर जिसने मौलाना तारिक जमील साहब का हेयर ट्रांसप्लांट किया है, कल को उनके क्लिनिक के बाहर, जैसे MTJ एक ब्रांड, मौलाना साहब का नाम तो एक ब्रांड कमर्शलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया, कल को अगर उसने, उस बंदे ने अपना, ज़ाहिर है वो बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब का ट्रांसप्लांट किया है, और अगर उस बंदे ने अपनी पिक, सॉरी मौलाना तारिक जमील साहब की पिक अपनी क्लिनिक में लगा दी अपने काम के प्रमोशन के लिए, तो फिर क्या होगा? क्योंकि उलमा का जो हिसाब है ना, वो पुल सरात पे चलने के बराबर है। क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी एक मिशन में निकल जाती है, लेकिन एक गलती, क्योंकि अल्लाह ताला जब हिसाब किताब और अकाउंटेबिलिटी लेता है ना, तो वो अपने मोमिन और हर मुसलमान की, उसकी जो समझ होगी ना, उस पैरामीटर पर आकर लेगा, क्योंकि उसके यहाँ नाइंसाफ़ी नहीं है। इसकी एग्जाम्पल मैं ये दूंगी कि हम, हमारे पास डिग्रीज हैं, हमें स्कूल्स गए, हम यूनिवर्सिटीज़ गए, लेकिन जब आप गांव में जाएं, वहाँ पर एक तबका है जिनके पास स्कूल, उनके पास तालीम नहीं होती, उनको जितना उनके वहाँ के मौलवी ने या वहाँ पर जो लोग तबलीग के लिए जाते हैं उन्होंने जितना उन्हें समझाया होगा और जितनी उतनी समझ होगी और उसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, तो उनका हिसाब उस पैरामीटर पर जाकर होगा। तो उलमा का हिसाब तो आप इमेजिन कीजिए कि पुल सिरात पर गुजरने से कम नहीं है। और अल्लाह हम सब को अपने करम में रखे, हमारा हिसाब आसान करे, और हमें आज के दौर में